Hello students, welcome to the class of Ingenious Physics. Today we are going to start a topic that is a reflection of light. Although all of you are familiar with this topic, and just we will take a quick review of this topic. So first, what is a reflection of light? Ye reflection of light hoti kya hai bachcho? Hamare paas ek surface rehta hai aur hum ek surface pe ek ray ko fall karate hain ya light ko fall karate hain. तो ये टकराने के बाद वापस उसी मीडियम में चली जाती है. इस पूरे इवेंट को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. दैट मीन्स रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द फेनोमेना इन विच अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स अ सरफेस एंड बाउंस बैक टू द सेम मीडियम. दैट मीन्स इन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मीडियम चेंज नहीं हो रहा है, सरफेस से टकरा कर वापस आ जाती है. फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास अगर एक बॉल लेते हैं और एक वॉल है यहाँ पर, अगर हम इसको स्ट्राइक करते हैं, दैट मीन्स वी थ्रो अ बॉल, देन व्हाट हैपन, देन द बॉल स्ट्राइक द सरफेस एंड जस्ट केम इन द सेम मीडियम. दैट मीन्स रिफ्लेक्शन क्या हो गई भाई, कि एक ऑब्जेक्ट जा कर के टकराएगी, टकरा के वापस उसी मीडियम में आ जाएगी. ठीक है, इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन. ठीक है, अब हम एक बॉल लेके ज़मीन पे जब हम लोग गिराते हैं तो ये जाती है स्ट्राइक करके ग्राउंड को, वापस बैक आती है. दैट मीन्स ये क्या हो गया भाई, रिफ्लेक्शन हो गया. सिंस हम लाइट के केस में पढ़ रहे हैं तो इसका नाम क्या हो गया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. सो अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कुछ बेसिक डिटेलिंग्स के बारे में. सो फर्स्ट, फ्रॉम द डायग्राम हम लोग को ये पता है कि यहाँ ओ ए, आप देख रहे हैं एरो इस तरफ है, तो ये जो लाइट है ये कौन सी लाइट है भाई, ये इंसिडेंट रे है. इसे हम क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे. ओ बी, टकराने के बाद लाइट जा रही है, दैट मीन्स ये क्या है भाई, रिफ्लेक्टेड रे. क्या है भाई, रिफ्लेक्टेड रे. ओके, एम वन एम टू क्या, एक सरफेस है, प्लेन मिरर. जनरली हम लोग इस टॉपिक में हम लोग सरफेस क्या लेते हैं, प्लेन मिरर लेते हैं. ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास ये सरफेस क्या है, ये है प्लेन मिरर. ओ ए इंसिडेंट रे, ओ बी रिफ्लेक्टेड रे, ओ एन नॉर्मल. ओ एन क्या भाई, नॉर्मल. ये नॉर्मल कहाँ पर भाई, ये पॉइंट आप देख रहे हैं जहाँ पर ये स्ट्राइक की है, इस पॉइंट का क्या नाम है, इस पॉइंट का नाम है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. ठीक है, मतलब जिस पॉइंट पर ये रे आके स्ट्राइक करेगी उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. तो आपको ओवरऑल थोड़ी बात बहुत बात यहाँ पर समझ में आ गई कि रिफ्लेक्शन में एक हम लोग रे ऑफ लाइट लेते हैं और ये एक मिरर में आके टकराती है, टकराने के बाद उसी मीडियम में वापस चले जाती है. जो रे आ रही है इंसिडेंट रे, टकराने के बाद जो रे जा रही है उसे रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, जिस पॉइंट पे टकराती है उसे हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं. अब आप देख रहे हैं यहाँ पे ये पॉइंट ओ से एन तक एक लाइन खींची हुई है, इसे हम नॉर्मल कहते हैं. क्या कहते हैं, नॉर्मल. आपको हमेशा ये बात याद रखनी है कि जब भी नॉर्मल के बारे बात किया जाए, दैट मीन्स वो लाइन परपेंडिकुलर होगा. कहाँ पर होगा, आइए इस डायग्राम पे देखते हैं. यहाँ पर ये जो नॉर्मल लाइन आपको यहाँ पर दिख रही है कुछ इस तरह से, ये हमारा क्या है, नॉर्मल है. तो ये जो नॉर्मल बनाया हुआ है ये मिरर के साथ 90 डिग्री बना रही है. कितनी बना रही है भाई, मिरर के साथ 90 डिग्री बना रही है. ठीक है, अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे यहाँ आई एंड आर. आई को क्या कहते हैं, इंसिडेंट एंगल या एंगल ऑफ इंसिडेंस. आर को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड एंगल या फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. सो इस तरह से हम देख सकते हैं यहाँ पे आई एंगल क्या है, ए ओ एन इज आई एंड बी ओ एन इज आर. ठीक है, तो यहाँ पर ये बेसिक आपको समझ में आ गई. रिफ्लेक्शन क्या है बच्चों, रिफ्लेक्शन एक ऐसा फेनोमेना है जिसमें रे ऑफ लाइट एक सरफेस से टकराने के बाद वापस उसी मीडियम में आ जाएगी. अगर वापस उसी मीडियम में आ जाएगी तो उसे हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहेंगे. ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं, सभी की डिटेलिंग्स यहाँ पर दी हुई है, आप देख सकते हैं आसानी से. अब हम लोग समझते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. दैट मीन्स कौन से ऐसे नियम हैं जो इस रिफ्लेक्शन में फॉलो होते हैं. दैट मीन्स व्हाट आर द लॉज बाय विच वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर, और हम लोग ये बता पाएंगे कि टकराने के बाद ये किस दिशा में जाएगी, इस तरह का चीज़ है. तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमें ये बताता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. मतलब अगर आई की वैल्यू 30 है, आर कितनी होगी 30 डिग्री. इफ आई इज इक्वल्स 25 डिग्री, सो आर विल बी
25 degree. If I is 45, then R is also 45. ये पहला रॉ है भाई, ये आपको याद रखनी है. मतलब I और R क्या है, सेम रहेगा. दूसरी बात ये आती है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये जो नॉर्मल बना हुआ है, ये तीनों सेम प्लेन में लाई करेगा. दैट मीन्स इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, कहाँ पे भाई, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये क्या है, सेम प्लेन में रहेगी. किस में रहेगी बच्चों, सेम प्लेन में लाई करेगी. अब मैं आपको बताता हूँ ये सेम प्लेन कौन सा प्लेन. ठीक है, आप इमेजिन करिए कि आपके पास एक बॉल है भाई. ठीक है, क्रिकेट तो खेलते होंगे. ठीक है, तो उस बॉल को जब हम ग्राउंड पे एक एंगल पे गिराते हैं, सपोज दैट ये सरफेस है, ये बॉल ऐसे आएगी, टकराने के बाद ऐसे जाएगी, तो ये जो आ रही है ये इंसिडेंट है और इधर जा रही है वो रिफ्लेक्टेड है. ठीक है, जिस पॉइंट पे स्ट्राइक हुआ है उसे क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ऑलवेज रिमेंबर. अब इस पॉइंट से एक लाइन हम ऐसे बनाते हैं. ठीक है, तो ये लाइन बन गया, ये क्या है भाई, ओ एन. अच्छा, अब आप बात यहाँ पे समझिए कि इस डायरेक्शन से क्या था भाई, इंसिडेंट रे. तो ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल को मिला के ये वाला एक प्लेन आ रहा है. ठीक है, इन ए सिमिलर वे ये नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रे को मिला के इधर वाला प्लेन आ रहा है. तो अगर ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करेगा तो हम लोग क्या कहेंगे भाई, कि ये सेम प्लेन में है. ठीक है, कभी कभी आपने देखा होगा कि जब हम ग्राउंड पे, इफ़ सरफेस इज रफ, तो क्या होता है कि जैसे हम बॉल फेंकते हैं तो बॉल आती है, टकराने के बाद ऐसे नहीं उठती है. ठीक है, वो दूसरे डायरेक्शन में जाती है. आई विल शो यू, आप इस तरह से देखिए, आपको समझ में आएगी कि रे ऑफ लाइट ऐसे आगे आई है, इसे जाना चाहिए इधर. दैट मीन्स बॉल ऐसे आगे आई है, इसे जाना चाहिए इधर, लेकिन टकराने के बाद ये इस डायरेक्शन में मुड़ गई. तो अब आप देखिए प्लेन का क्या हो गया, कि इंसिडेंट इधर था, नॉर्मल इधर बना ये वाला एक प्लेन, टकराने के बाद अगर बॉल इधर चला गया है तो ये रिफ्लेक्टेड रे है और यहाँ पर नॉर्मल, तो ये प्लेन. तो बच्चों ये एक अलग प्लेन है, ये एक अलग प्लेन. अगर ये प्लेन टर्न कर दिया जाए इस तरह से कि ये दोनों प्लेन, कि ये दोनों प्लेन सेम प्लेन हो जाए, तो वो वाला कंडीशन हमें यहाँ लेना है. दैट मीन्स इंसिडेंट रे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों एक ही प्लेन पे रहेगी. आई होप आपको ये बात पूरी तरह से समझ में आ गई होगी.